तो एलईडी में हमारे पास में बेसिक से जो शुरू होती है वो 300 रुपए से एलईडी शुरू हो जाती है। तो हमारे पास 800 रुपीज से 6 इंच के स्पीकर स्टार्ट होते हैं, 3000 रुपए से लेके मेरा 25000 रुपए तक के एंड्रॉइड है। ये 300 रुपए का एलईडी का पेयर दो पीसेस। थार के लिए हम शुरू से शुरू करते हैं। यूनिवर्सल फुटरेस्ट की अगर आप बात करेंगे 3000 रुपए से शुरू हो जाते हैं हमारे पास विद स्पीकर, इनफैक्ट आपका 5-6000 रुपए में हो जाएगा। पिंडा हो गई, लूमैक्स हो गई, ये आर्मरेस्ट हमारे पास में ग्लॉसी ब्लैक के अंदर भी मिल जाएगा आपको, कार्बन फाइबर फिनिश में भी मिल जाएगा। 1200-1500 रुपए से सीट कवर शुरू हो जाता है और अगर टॉप क्वालिटी में जाएंगे तो 18-19000 रुपए तक का भी सीट कवर हमारे पास मिलेगा। तो कूजो ब्रांड की एम्बिएंट लाइटिंग आपका 400 रुपए से DRL शुरू हो जाती है और 3,500-4,000 रुपए तक में, मतलब आप मोटा मोटा मान के चलो सारी। और मैट के भी टॉप क्वालिटी ब्रांड है। इसके अंदर आपको ग्लास होल्डर मिलता है, फोन होल्डर मिलता है और यहाँ पे पॉकेट भी मिलता है कुछ सामान रखने के लिए। हेला कंपनी हो गई, GTR कंपनी हो गई, क्रिस्टल कंपनी हो गई, क्योंकि कस्टमर के ना इमोशन जुड़े होते हैं गाड़ी के सामने जब वो आते हैं, तो उन इमोशंस के साथ खेलना सही नहीं होता। ये 600 रुपए से शुरू हो जाती है और ऊपर अच्छी क्वालिटी में जाओगे तो आप 3,500-3,000 रुपए तक की भी फ्लोरिंग आती है। कि आप इससे परेशान हो जाओगे या आपसे परेशान नहीं होगा, वारंटी नहीं गारंटी है। अगर आप मेरे पास गाड़ी लेके आ रहे हो, इट्स अ वन स्टॉप शॉप, एक जगह आप गाड़ी रोको, A to Z जितना आपकी गाड़ी में एसेसरीज का काम होना सारा हमारे पास मिलेगा। वेलकम बैक दोस्तों, कार म्यूजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। So guys, आज आ चुके हैं हम कश्मीरी गेट और कश्मीरी गेट पे आज हम एक ऐसी शॉप कवर करने वाले हैं जहां पे आप अपनी कार मॉडिफाई करा सकते हैं। आज हम जाने वाले हैं AP मोटर्स पे जहां पे आपको पूरी जो एक्सेसरीज की रेंज है वो मिल जाती है होलसेल प्राइस में। अगर बात करें कश्मीरी गेट मार्केट की तो भाई एक्सेसरीज के मामले में ये सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पे आपको हर एक कंपनी का आउटलेट मिल जाएगा, मीन्स जो फैक्ट्री आउटलेट होता है वो भी मिल जाएगा। और जो एपी मोटर्स है, एपी मोटर्स पे आपको फुल रेंज मिल जाती है हर एक कार की, लाइक सीट कवर, स्पीकर, बूफर, एम्पलीफायर। जैसे कि अभी महिंद्रा थार का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है लोगों में, तो महिंद्रा थार के लिए लेटेस्ट एक्सेसरीज मिल जाती है आपको एपी मोटर्स पे। अभी हम जिस जगह हैं ये है कश्मीरी गेट। मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन बताता हूँ। ये देखिए, इस साइड से जो रास्ता आता है ये रेड फोर्ट की तरफ से आता है। ये देखिए, ये रेड फोर्ट की तरफ से आता है और दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो ये है कश्मीरी गेट मेट्रो की तरफ। ये देखिए, कश्मीरी गेट मेट्रो से अगर आप आएंगे तो इस साइड से आएंगे। ये कुछ लोकेशन आपको दिखेगी, ये वाली जो रोड है वो डायरेक्ट ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करती है। ये देखिए, सामने अगर आप देखेंगे तो दिल्ली जंक्शन का एक बोर्ड भी दिख जाएगा। तो भाई कश्मीरी गेट में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अगर आप एपी मोटर्स पे अपनी कार मॉडिफाई करवाने आते हैं तो इधर आप देखेंगे बहुत सारा स्पेस है, आपकी कार आराम से पार्क हो जाएगी। यहाँ पे सारी कार्स पार्क होती हैं, फिर यहाँ पे होता है मॉडिफिकेशन एपी मोटर्स की तरफ से। अभी आपने देखी पार्किंग, अब चलते हैं सीधा एपी मोटर्स पे जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ एक्सेसरीज आपको मिलती है आपकी कार के लिए। तो फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं एपी मोटर्स पे। आप देखेंगे यहाँ पे दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन का एक बोर्ड आपको दिख जाएगा, ये मेन गेट है। इसके जस्ट सामने जो शॉप है ये देखिए, यहाँ पे एपी मोटर्स ऑटो कॉप, ये वाली शॉप है। यहाँ पे आपको कुछ करियर और सेफ्टी गार्ड भी दिख जाएंगे। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू कार बहुत सारे मॉडल्स इनके पास हैं। अब चलते हैं शॉप के अंदर और देखते हैं क्या कुछ एक्सेसरीज आपको मिल सकती है यहाँ पे और क्या कुछ प्राइस रहेगा। बाकी अगर बात करें कार एक्सेसरीज की तो भाई कश्मीरी गेट में होलसेल मार्केट है, तो यहाँ पे आपको बहुत फास्ट सर्विस प्रोवाइड हो जाती है। मीन्स अगर आपको वैरायटी चाहिए तो भाई आप एपी मोटर्स पे जरूर आइए। बाकी अगर बात करें कार एक्सेसरीज में वैरायटी की तो यहाँ पे आपको फुल रेंज मिल जाती है, क्योंकि भाई कश्मीरी गेट होलसेल मार्केट भी है। रिटेल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, जैसे कि स्पीकर्स में रेंज मिल जाएगी, एंड्रॉयड में रेंज मिल जाएगी, और अगर बात करें बम्पर में, सीट कवर्स में, स्टेयरिंग कवर्स में, ऑलमोस्ट जो एक्सेसरीज है वो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो भाई एपी मोटर्स के ऑनर से बात करते हैं पहले, उसके बाद हम रिव्यू करेंगे इनके स्टोर का कि क्या कुछ रेंज आपको मिल जाएगी आपकी कार के लिए। तो भैया एक बार सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को। हेलो, मेरा नाम सिद्धार्थ सेठी है, मैं ओनर हूँ एपी मोटर्स का और ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है, मेरे फादर ने शुरू करा था और 40 साल से ऊपर हो गए हमारे इस बिजनेस को और कार एसेसरीज में हमें 25 इयर्स से ज्यादा हो गए हैं। 25 इयर्स हो चुके हैं। हाँ, 40 इयर्स इस बिजनेस को हो गए हैं, 25 इयर्स से ज्यादा इस कार एसेसरीज को हो गए हैं। तो मेरी एज तो भाई 29 है, तो मेरी एज से ज्यादा इस पर्टिकुलर फर्म को हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्ट। तो हमने विजिट किया है, अभी आपका लोकेशन जो था वो दिखा दिया। बिल्कुल, अभी ऑलमोस्ट जो बंदा
बंदा इस वीडियो को शुरू से देखेगा वो आपके स्टोर तक बड़े ही आसानी से पहुंच जाएगा। कार पार्किंग दिखाई ना आपने? हाँ, सब कुछ दिखा दिया। बाकी ये अपना ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन वाला गेट दिखाया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इससे भी एक अच्छा लोकेशन समझ में आता है जी, जी, जो बंदा नया। हाँ, क्योंकि हमारे पास एक्सेसिबिलिटी जो है बहुत अच्छी है, गाड़ियों की पार्किंग की बहुत अच्छी है। मेन लोग जो आते हैं कश्मीरी गेट में वो ये घबराते हैं कि मेरी गाड़ी में स्क्रैचेस लगेंगे, मेरी गाड़ी पार्क नहीं हो पाएगी। तो उसका हमारे पास 100% सॉल्यूशन है। गाड़ी आप अपनी आराम से खड़ी करो, चारों दरवाजे खुल के आराम से काम होता है, तसल्ली से काम होता है। एक्चुअली रिटेल में मैंने अब तक कोई कश्मीरी गेट में वीडियो नहीं बनाया था बिकॉज ऑफ पार्किंग, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई वीडियो देख के आता है और उसको प्रॉब्लम हो तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है। नहीं, एग्जैक्टली हमें भी यही फील हुआ, हमारे पास भी यही इशू था। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास यही था कि गाड़ी का पार्किंग का। आप मानेंगे नहीं हम लोग कितने पैसे पार्किंग के अलग से पे करते हैं, जस्ट सो दैट कि कस्टमर की गाड़ी सेफ रहे, हमारा जो हम काम कर रहे हैं उसका आउटपुट अच्छा निकल गया है, तो प्रॉपर तरीके से काम हो इस चीज़ का। तो एक बार हम चाहेंगे सबसे पहले कि अपने स्टोर पे क्या कुछ रेंज है हमारी ऑडियंस के लिए, लाइक अभी लोग महिंद्रा थार निकाल रहे हैं, जिमनी निकाल रहे हैं, और जो भी कार्स हैं उनमें क्या कुछ रेंज है, प्लीज एक बार हमें रिव्यू करके मैं दिखाता हूँ आपको, वन बाय वन सारा रिव्यू करते हैं। भैया हमारे पास में स्टार्टिंग करेंगे हम एंड्रॉइड से स्टार्टिंग करेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे सारे एंड्रॉइड की रेंज लगी हुई हमारे पास में, बीच में कुछ मिक्स आइटम्स भी है बट अभी हम एंड्रॉइड कवर करते हैं। एंड्रॉइड की अगर आप बात करेंगे मेरे पास नाना करते 10-12 ब्रांड है जो अच्छे ब्रांड्स है, टॉप ब्रांड्स है। उसके अंदर मेरे पास जो क्वालिटी शुरू होती है वो 3,000 रुपये से शुरू हो जाती है, 3,000 रुपये से लेके मेरा 25,000 रुपये तक का एंड्रॉइड है। तो कस्टमर की रेंज पे डिपेंड करता है कि वो क्या लगाना चाहता है क्या नहीं लगाना चाहता। सारे प्रोडक्ट्स विद वारंटी है, विद सबका कंपनी वाले हैं, कोई ऐसे नहीं है कि लोकल ब्रांड है, सारे ब्रांडेड हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। उसमें डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हैं और कितना बजट है कस्टमर का, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर सजेशन देते हैं, कर देते हैं। हाँ जी। सो भाई अगर स्टूडियो की बात करें तो 3,000 से स्टूडियो स्टार्ट है, फिटिंग विटिंग मिला के आई थिंक 5-6,000 में ले जा सकता है। हाँ, विद स्पीकर इनफैक्ट आपका 5-6,000 में हो जाएगा, स्पीकर भी मिलेगा। भाई बंदा अगर आ रहा है 200-300 किलोमीटर दूर से तो एग्जैक्टली सारा रेंज मिलेगा उसको। और एलईडी की बात करें तो एलईडी में क्या कुछ रेंज है? एलईडी में अगर आप स्टार्टिंग करेंगे तो एलईडी में हमारे पास में बेसिक से जो शुरू होती है वो 300 रुपये से एलईडी शुरू हो जाती है, 300 रुपये का एलईडी का पेयर दो पीसेस। अच्छा। और जाती है 7,500 रुपये तक जाती है। अगर आप अच्छा एक ब्रांड में जाना चाहते हैं तो मान के चलिए आप 2,500 रुपये से मिनिमम की स्टार्टिंग होती है, और ऊपर जितना मर्जी आप जाना चाहिए 7,500 रुपये तक की एलईडी होती है। आजकल मार्केट में इन्फैक्ट ये भी चली हुई है, डब्बे पे लिखा होगा आपका 120 वाट, 130 वाट, निकलती है 50 वाट भी नहीं है। वो भी हम लोगों ने रखी होती है कस्टमर को दिखाने के लिए, बट हम रिकमेंड नहीं करते वो। क्यों? जब आप गाड़ी चलाते हैं सेफ्टी का इशू होता है, आप गाड़ी चला रहे हो मेन आपकी लाइटिंग डिपेंड करती है, आपकी लाइट्स अगर स्ट्रांग नहीं है तो गाड़ी सेफ नहीं चलेगी आपकी। बिल्कुल। तो उसके लिए हम रेकमेंड नहीं करते वो चीज़। तो एलईडी हो गई, एंड्रॉइड हो गया, अभी और क्या कुछ रेंज है प्लीज दिखाइए। उसके बाद में हम आपको जो रेंज है एलईडी की ये सारी आ गई। उसके बाद प्रोजेक्टर लेंसेज वगैरह, फॉग लाइट्स वगैरह मैं दिखाना चाहूंगा। प्रोजेक्टर लेंसेज में, फॉग लैंप्स में ही हमारे पास काफी सारी रेंज है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से अगर आप शुरू हो जाएंगे, मिंडा हो गई, लूमैक्स हो गई, जो कंपनीज गाड़ी में ओरिजिनल लगा के देती हैं वो भी होती है हमारे पास में। उसके अलावा प्रोजेक्टर लेंसेज लगाना चाहते हैं, हेला कंपनी हो गई, GTR कंपनी हो गई, क्रिस्टल कंपनी हो गई, बहुत सारे और ब्रांड्स हैं हमारे पास में। इनफैक्ट ऐसे प्रोजेक्टर्स हैं जो कि अगर आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे आपको हेडलाइट भी ऑन करने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा थ्रो होता है उसका। तो वो चीजें हम रील्स के अंदर कवर करेंगे इंस्टाग्राम और आपका जो पेज है उसके लिए, तो वहां पे हम रिस्पांस भी दिखाएंगे वन बाय वन। आज हमें पूरा रिव्यू चाहिए एपी मोटर्स का, जो रेंज इनके पास है, लाइक आपके पास जो कार एक्सेसरीज की फुल रेंज है वो एक बार वन बाय वन दिखाएं। प्रीत भैया हमारे को ना, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे पास गाड़ी लेके आ रहे हो, इट्स अ वन स्टॉप शॉप, एक जगह आप गाड़ी रोको, A to Z जितना आपकी गाड़ी में एसेसरीज का काम होना है सारा हमारे पास मिलेगा, कोई आपको यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेन कश्मीरी गेट हब क्या है, होलसेल का है, होलसेल के अलावा रिटेल बहुत कम लोग करते हैं और अच्छा रिटेल बहुत कम लोग करते हैं। तो उसमें से हमारी जो मेन है एक्सपर्टी है उसके अंदर, और उस एक्सपर्टी के अंदर हम पूरे खरे उतरते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में पूरे खरे उतरते हैं। ओके, सो अभी आपका जो ये वाला रेंज था कवर करके हमने दिखाया, अभी नेक्स्ट हमें काफी कुछ प्रोडक्ट दिख रहे हैं। जी जी जी, वन बाय वन दिखाइए जी। उसके बाद में रिफ्लेक्टर की रेंज आ जाती है, रिफ्लेक्टर में भी कई गाड़ियों के हमारे पास रिफ्लेक्टर होते हैं, मारुति से लेके आपकी जितनी गाड़ियां आजकल नई आ रही हैं सारी गाड़ियों के रिफ्लेक्टर्स होते हैं हमारे पास, सेल्टोस हो गई, सुजुकी की जितनी भी गाड़ियां हैं, इनफैक्ट सारी गाड़ियां हम लोग कवर कर देते हैं। उसके बाद आप टेल लाइट का भी एक सैंपल देखेंगे वहाँ पे, जैसे वो फॉर्चुनर का टेल लाइट एक सैंपल रखा हुआ हमने, टेल लाइट्स भी हमारे पास मॉडिफाइड टेल लाइट्स होती हैं, स्विफ्ट गाड़ी हो गई आपकी, फॉर्चुनर गाड़ी हो गई, आर्टिका गाड़ी हो गई, बहुत सारी गाड़ियों की हेडलाइट्स और टेल लाइट्स भी मॉडिफाइड जो आती हैं हम खोल के मॉडिफाई नहीं करते, जो मॉडिफाइड कंपनी से आती है बनी बनाई वो वाली बेचते हैं। Okay. कुछ लोग DRL हेडलाइट वगैरह खोल के लगाते सर, हैं। वो भी करते हैं लोग, हम यहाँ पे हम लोग भी करते हैं, बट हम रेकमेंड उसको भी नहीं करते हैं। क्यों? आपकी गाड़ी के साथ में जो ओरिजिनल लाइट है उसको खोल के कंसील दोबारा करना, उसको पैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। बहुत लोग गारंटी देते हैं, बहुत लोग वारंटी देते हैं,
हम उसको रेकमेंड नहीं करते हैं अपने यहाँ पे। अब अनदर सेक्शन की बात करें तो अभी स्टोर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, प्लीज वन बाय वन दिखाते जाइए। सर उसके बाद में अगर आप शुरू हो जाएंगे यहाँ से तो हमारे पास में पॉलिशेस के रैक आ जाते हैं। पॉलिशेस के अलावा फॉर्मूला वन है हमारे पास, टर्टल ब्रांड है हमारे पास, 3M है हमारे पास, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स है, एरन है हमारे पास में जो परफ्यूम्स की बहुत सारी रेंज है उनकी। एरन के बाद मैगवायर पॉलिश आती है, मैगवायर की हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी मैगवायर की रेंज है। उसके बाद में माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स में अगर आप जाएंगे, माइक्रोफाइबर में हमारे पास पूरी रेंज है। 3M की डबल टेप्स आती है, 3M की पॉलिशेस के साथ जो वो भी मिल जाएंगी। नैनो टेप्स आती हैं डबल टेप में, वो मिल जाएंगी। डोर गार्ड्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट जो होलसेल भी करना चाहते हैं वो भी हमारे पास आ सकते हैं। आप 1,00,000 रुपये लेके आइए, हम आपकी दुकान इतनी भर देंगे कि आप एक स्टार्टअप कर सकते हैं, इतना भी हमारे पास में। तो कुल मिला के होलसेल एंड रिटेल दोनों बिल्कुल आपको सारी टोटल रेंज मिलेगी। एक्चुअली तो होलसेल के लिए ही जाना जाता है। जी हमारा मेन होलसेल का ही काम है, रिटेल का भी हमने रिसेंटली शुरू करा, ज्यादा टाइम नहीं हुआ हमें, बट रिस्पांस इतना अच्छा हमें मिला है, कस्टमर का फीडबैक इतना अच्छा है हमारे लिए। क्यों, कस्टमर को यहाँ पे आके भटकाया बहुत जाता है कि दिखाया कुछ लगा कुछ। हमारा जो है मेन ट्रस्ट के ऊपर काम है, हमारा जो पूरा हमारा बना हुआ है इतने टाइम से, तो हम लोग ट्रस्ट के ऊपर और अच्छी क्वालिटी में बिलीव करते हैं। जो चीज आपकी गाड़ी में गलत है, जो रिकमेंड नहीं करते हम, जैसे आपने लाइट्स का पूजा खोल के LED लगा देते हैं, हमारे को कुछ पैसे मिलेंगे। इनफैक्ट हम लोग उसको मना इसलिए करते हैं क्योंकि कस्टमर के ना इमोशन जुड़े होते हैं गाड़ी के साथ में जब वो आता है, तो उन इमोशंस के साथ खेलना सही नहीं होता। बिल्कुल, तो ये मेरा मानना है। तो अगर DRL की बात करें तो भाई लोग DRL भी लगवा रहे हैं, मेरी ग्रिल भी वायरल हुई है रिसेंटली। तो DRL में क्या कुछ ऑप्शंस हैं और क्या कुछ प्राइस? DRL में भैया शुरू अगर आप करते हो DRL में, मेरे पास में अगेन आपका 400 रुपये से DRL शुरू हो जाती है और 3,500-4,000 रुपये तक में, मतलब आप मोटा मोटा मान के चलो, सारी गाड़ियां कवर हो जाती है। और ये फॉग लैंप कवर के साथ जो DRL आती है, इसका तो प्राइस ज्यादा होगा? हाँ नहीं, उसी का ही मैं बता रहा हूँ, 4,000 रुपये तक के अंदर मोटी मोटी सारी गाड़ियां कवर हो जाती है। और कुछ गाड़ियां हैं जो कॉस्टली भी आती है, बट 99% कार सारी कवर हो जाती है आपकी विद इन 4,000। इसमें फॉग लाइट भी आती है या नहीं? फॉग लाइट का प्राइस अलग होता है, फॉग लाइट आप किसी भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ओरिजिनल मैंने आपको दिखाया मिंडा है हमारे पास, लूमैक्स है, उसके अलावा जो आप प्रोजेक्टर लेंसेज लगाना चाहते हैं तो वो भी होते हैं हमारे पास, वो भी कवर कर सकते हो आप उसके अंदर। अच्छा, अभी ये वाला जो सेक्शन के अंदर जैसे मेन हमारा होलसेल वाला सेक्शन है, ये वाला जो है ना, जैसे कि आपके ब्लैक कैट के देख रहे होंगे आप, काफी सारे चार्जर्स रखे हैं। एक आप निकाल के दिखा राजू, एक जैसे ये चार्जर है, इसके अंदर 3-pin चार्जर होता है, मल्टीपल चार्जर होता है और सारी गाड़ियों में लग जाते हैं ये। इसमें ही आप अगर रेंज में जाना चाहोगे तो चार्जर ही मेरे पास 10-12 तरीके के चार्जर्स मिल जाएंगे। स्टेयरिंग नॉब की रेंज है, स्टेयरिंग नॉब में ही बहुत सारी रेंज है मेरे पास, वो मिल जाएंगे आपको। ये होलसेल और रिटेल दोनों। और यहाँ पे सीट कवर्स की बात करें या कुछ लाइक कुछ यूनिक प्रोडक्ट है, जैसे यूनिक प्रोडक्ट्स में, जैसे कि हाँ जी, डैशबोर्ड का ये पूरा देखा, ये हमने अपना खुद परचेज करके इसको एक डेमो की तरह यहाँ पे लगाया हुआ है। ये इको स्पोर्ट्स का डैशबोर्ड है कंपनी से जो आता है, इसको हमने PU पेंट करा हुआ है, दिस नॉट नॉर्मल पेंट, ये PU पेंट करा हुआ है। PU पेंट में और नॉर्मल पेंट में फर्क ये होता है कि जब आप उसको स्क्रैच करोगे तो नॉर्मल पेंट हट जाएगा, PU पेंट नहीं हटता, उसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। इसको डिप करके आई थिंक जी हाइड्रो डिपिंग भी करते हैं, हाइड्रो डिपिंग इसमें जो होता है, इसके अंदर नहीं करा हुआ हमने, बट हाइड्रो डिपिंग भी हम लोग करते हैं। आपका मेरे पास गाड़ी वो नेक्स्ट, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा, जो गाड़ी भी हमारे पास रेडी खड़ी हुई है उसके अंदर हमने काफी पार्ट्स हाइड्रो डिप भी करे हुए हैं। ग्लॉसी ब्लैक हो गया आपका, कार्बन फाइबर हो गया, ब्लू, रेड, ऑरेंज, मैजेंटा, आप कलर बोलो हम वो करके देंगे आपको। वेरी नाइस। अगर बात करें सीट कवर्स की रेंज की, मैट की रेंज की, या फिर जो फ्लोरिंग होती है उसमें क्या कुछ रेंज है? फ्लोरिंग में भी हमारे पास बेसिक से स्टार्ट हो जाती है, 600 रुपये से शुरू हो जाती है और ऊपर अच्छी क्वालिटी में जाओगे तो आप 3,500-3,000 रुपये तक की भी फ्लोरिंग आती है। सीट कवर्स की अगर मैं बात करूँ तो सीट कवर्स में क्वालिटी आप देख ही रहे हो, टच करके फील कर सकते हो उसको क्या क्वालिटी है। हमारे पास सीट कवर के अंदर अगर आप देखेंगे तो 1,200-1,500 रुपये से सीट कवर शुरू हो जाता है और अगर टॉप क्वालिटी में जाएंगे तो 18,000-19,000 रुपये तक का भी सीट कवर हमारे पास अवेलेबल होता है। और मैट में अगर 75D की बात करें तो 75D में अगर आप बात करेंगे, 70 में जो मार्केट में जो यूनिवर्सल साइज मिलते हैं वो भी हमारे पास होते हैं, प्रॉपर गाड़ी वाइज अगर आपको चाहिए वो भी होते हैं, ब्रांड में चाहिए ब्रांड में भी होते हैं। कूजो कंपनी का भी ब्रांड होता है हमारे पास में, कूजो जैसे कि मार्केट में काफ़ी लोग जानते होंगे, बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया ब्रांड है, तो वो भी हमारे पास में होते हैं। तो मैट्स में भी हमारे पास कंप्लीट रेंज होती है। 70 के अलावा एक आजकल GFX मैट चल रहे हैं जो आप सामने देख सकते हैं, इसको भी काफ़ी है जी, इसको लाइफ लॉन्ग मैट बोला जाता है कि ये इतने रगिड मैट होते हैं कि आप इससे परेशान हो जाओगे या आपसे परेशान नहीं होगा। और अगर बात करें लाइटिंग में तो इंटीरियर में लोग आजकल लाइट्स लगा रहे हैं। जी कार्डी आजकल एक बहुत बड़ा ब्रांड बना हुआ है, कार्डी के अलावा बहुत सारे मार्केट के अंदर ब्रांड्स आए हुए हैं जो कहते हैं जी चाइना के उल्टे सीधे ब्रांड्स है, बट हम लोग वो नहीं बेचते हैं। हमारे पास कार्डी ब्रांड मिलेगा और दूसरा कूजो ब्रांड मिलेगा। कूजो ब्रांड ने अभी लेटेस्ट अपनी लॉन्च करी है एम्बिएंट लाइटिंग, जिसके अंदर वो 1 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी देते हैं, वारंटी नहीं गारंटी है। तो उसके हमारे पास में दो ब्रांड्स हम लोग जो करते हैं एम्बिएंट के अंदर, एक कूजो और एक कार्डी।
अगर मैं स्पीकर की बात करूँ तो स्पीकर्स में हमारे पास जो रेंज आ जाती है प्रीत भाई, वो हमारे पास 800 रुपीस से 6 इंच के स्पीकर स्टार्ट होते हैं और गोज़ अप टू 10,000 रुपये तक। हमारे पास जो मिलेगी आपको रेंज वो कंप्लीट आपको ओरिजिनल स्पीकर्स ही मिलेंगे। 800 रुपये में भी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी ब्रांड ही मिलेगा आपको स्पीकर का, जो कि इंडियन ब्रांड है, जो कि वारंटी भी देता है। जी भैया, जैसे कि मैं आपको बता रहा था हमारे पास में रेंज सारी है, जैसे चार्जर्स मैंने आपको दिखाए ब्लैक कैट के, उसके अलावा ब्लैक कैट के सेंटर लॉकिंग होती है, मोको के मोबाइल होल्डर्स हैं, ये सारी रेंज हमारे पास में होलसेल में अवेलेबल होती है। होलसेल में हमारे पास एज इन ये जो काफ़ी रेंज हमारे पास ए टू जेड, जैसे अभी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में भी हमारे पास सारी रेंज है, हमारे पास होलसेल में भी सारी ए टू जेड रेंज होती है। हमारे पास में ब्लैक कैट हो गया आपका, उसके अलावा आरडी कंपनी हो गई, उसके अलावा टॉर्क कंपनी हो गई, इन सब के हमारे पास में डायरेक्ट सेंटर लॉकिंग वगैरह जो बेस्ट प्राइजेज हम दे सकते हैं पूरे कश्मीरी गेट में, जो प्राइस हम दे सकते हैं वो कोई बीट नहीं कर सकता उन प्राइजेस को। और कहीं ना कहीं जो एंड यूजर है अपनी कार में मॉडिफिकेशन के लिए आ रहा है कश्मीरी गेट, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई होलसेल मार्केट में जा रहे हैं तो प्राइस उसको होलसेल वाला मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्राइजेस हमारे होलसेल वाले ही मिलेंगे आपको। जो प्रोडक्ट का प्राइस मैं एक पीस का दूंगा वो अगर आप मेरे से 5 पीस भी मांगेंगे तो भी प्राइस में कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस होंगे वो। मेन जो होता है यहाँ पे जो आपको फर्क जो आता है कॉस्टिंग का, प्राइस आप जो मेरे से खरीद रहे हो वो होलसेल का ही मिलेगा आपको, खाली इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होते हैं वो अलग यहाँ पे कश्मीरी गेट में देने पड़ते हैं, जो थोड़ा सा डिफरेंस आता है प्राइस का, अदरवाइज जो प्राइसिंग है हमारी वो होलसेल ही है सारे। मींस कोई ले जाए अपनी गाड़ी के लिए तो अपने यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो आप 100 पीसेस का जो रेट मिलेगा आपको वो सिंगल पीस में भी सेम रेट में मिल जाएगा आपको। ओके, तो भाई यहाँ से ले जाके भी आप अपनी कार मॉडिफाई करवा सकते हैं इंडिया के किसी भी स्टेट में, तो अगर आप दिल्ली विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। श्योर श्योर श्योर, मोस्ट वेलकम इन एपी मोटर्स। जी जी जी, दिल्ली विजिट नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप कोरियर से मंगा सकते हैं, बाय ट्रांसपोर्ट मंगा सकते हैं, हमारे पास में वो भी सर्विस है। व्हाट्सएप नंबर जैसे कि आप स्क्रीन पे शो ही कर रहे होंगे अभी, तो उस पर आप व्हाट्सएप पे अपनी रिक्वायरमेंट भेजिए, यहाँ से हम कोरियर करा देते हैं पैक करा के उसको, और आपके डोर स्टेप पे पहुंच जाता है वो, ये भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वेरी नाइस। अब अगर बात करें इस एंड्रॉइड की तो ये भी काफी चर्चित ब्रांड है। जी 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 जी, ऑनक्यो काफी बड़ा ब्रांड है, काफी अच्छा ब्रांड है, जापान की कंपनी है जो कि पाइनियर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, पाइनियर में जो कंपोनेंट्स लगते हैं उसके अंदर सारे ऑनक्यो के ही लगते हैं, ये जो आप ब्रांड देख रहे हैं ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो मार्केट में लोग कहते हैं कि हमें एक ब्रांडेड एंड्रॉइड चाहिए, हमें एक अच्छी कंपनी का एंड्रॉइड चाहिए, सोनी पाइनियर भी ऑफर करते हैं बट उनके प्राइसिंग काफी हाई होते हैं। सोनी और पाइनियर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 50% का फर्क है इसके प्राइसिंग के अंदर, 50% कम में मिलता है आपको, और क्वालिटी टॉप क्वालिटी है। क्वालिटी भी हम चेक करेंगे किसी और वीडियो के अंदर, बाकी और जो रेंज है प्लीज एक बार हमें 1x1 चेकआउट कराइए, उसके बाद हम बात करेंगे महिंद्रा थार की। जी 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 बिल्कुल, महिंद्रा थार के लिए हम स्पेशली आए हैं आपके पास। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपने मेरे को बोला एक स्पेशल कुछ आप देखना चाहते हो, बिल्कुल, तो मैं आपको महिंद्रा थार के बारे में बताऊंगा अभी और कुछ अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा आपको, मैं भी थार ओनर हूँ। अच्छा, तो अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा मैं आपको और फिर थार वाला सेक्शन भी आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो फुटरेस्ट की जो रेंज है अपने पास उसमें ऑटोमेटिक भी है क्या? जी बिल्कुल, फुटरेस्ट की रेंज में हमारे पास ऑटोमेटिक भी होते हैं, महिंद्रा थार का जैसे कि आपने पूछा, महिंद्रा थार भी हमारे पास ऑटोमेटिक होता है, इनोवा क्रिस्टा हो गई, आपका एंडेवर हो गई, जो मेजर गाड़ियां हैं उन सबके ऑटोमेटिक फुटरेस्ट भी होते हैं और रेडी स्टॉक होता है हमारे पास में, ये नहीं कि ऑर्डर पे मंगाएंगे, रेडी स्टॉक इन हाउस हमारे पास होता है सारा। उसके अलावा ये जैसे कि गाड़ियों के आप फुटरेस्ट देख रहे हैं, इनमें से कुछ ये यूनिवर्सल फुटस्टेप्स होते हैं जो कि सारी एसयूवीज में ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं, कुछ ये फुटस्टेप होते हैं जैसे ये वाला हो गया, ये इनोवा का स्पेसिफिक है, ये खाली इनोवा में लगेगा, ये क्रेटा स्पेसिफिक है, ब्रीजा के लिए भी आता है, क्रेटा नई वाली, क्रेटा पुराने वाली, उन सब गाड़ियों के लिए आते हैं। तो ऐसे कार स्पेसिफिक फुटरेस्ट भी हमारे पास में, जो क्रिस्टा हो गई, हाई राइडर हो गई आपकी जो नई गाड़ी आई है उन गाड़ियों के लिए, उसके अलावा नॉर्मल रेंज जो हमारी होती है जो नॉर्मल सब गाड़ियों के लिए चलते हैं वो भी हमारे पास रेडी स्टॉक अवेलेबल होता है। यूनिवर्सल अगर हम फुटरेस्ट की बात करें तो क्या कुछ प्राइस रहता है? यूनिवर्सल फुटरेस्ट की अगर आप बात करेंगे 3,000 रुपए से शुरू हो जाते हैं हमारे पास, और जितना ऊपर आप जाना चाहोगे अगर आप ऑटोमेटिक की बात करें तो 50,000 तक के लमसम में वो पड़ते हैं। ठीक है, अब महिंद्रा थार के लिए क्या कुछ एक्सेसरीज है वो? महिंद्रा थार के लिए पहले मैं आपको एक छोटा सा लोगो दिखाना चाहूंगा। तो प्रीत भाई, जैसा कि आपने थार बोला तो थार के लिए हम शुरू से शुरू करते हैं, आपको अंदर लेके चलते हैं और फिर दिखाते हैं हमारे पास थार का क्या क्या है। और अगर बात करें यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है वेरीफाइड पार्टनर, तो ये क्या है? ये गैंग ऑफ थार करके एक ग्रुप है, थार का सबसे बड़ा ऑल ओवर इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप है, इनफैक्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा 4x4 ग्रुप है जो वेरीफाइड ग्रुप है, उसके हम वेरीफाइड पार्टनर है, वेरीफाइड सेलर है। ओके, तो थार के लिए स्पेसिफिक रेंज एक बार प्लीज बताइए। जी आइए, तो भाई थार लवर्स के लिए स्पेशल सेगमेंट लेके आए हैं हम सिद्धार्थ जी के साथ, जो कि नो डाउट अब तक आपने यूट्यूब पे नहीं देखा होगा क्योंकि थार की बहुत बड़ी रेंज है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी एक बार 1x1 चेकआउट कराइए कि क्या कुछ थार के लिए अपने पास प्रोडक्ट्स हैं। सर, थार के प्रोडक्ट्स के बारे में शुरू करने से पहले मैं थार का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैं खुद एक थार ओनर हूँ
और थार लवर हूँ, तो थार का एक इतना बड़ा एरिया सेटअप करने का रीज़न भी हमारा यही है कि सबसे ज़्यादा डिमांड, सबसे ज़्यादा एसेसरीज और सबसे ज़्यादा रेंज थार की हमारे पास जो है और जो डिमांड में रहती है वो सब अवेलेबल मिलेगी आपको एपी मोटर्स पे। ठीक है, जैसे कि ग्रिल से मैं शुरू करता हूँ, हमारे पास यहाँ पे जगह कम है थोड़ी, उसके हिसाब से भी हमने बहुत कुछ लगाने की कोशिश करी है। तो ग्रिल से जैसे कि शुरुआत करता हूँ मैं, ये आपकी जीप रैंगलर ग्रिल जिसको बोला जाता है, 7 स्लॉट ग्रिल जिसको बोला जाता है वो है ये। इसमें सारे कलर्स के मिल जाएंगे आपको ऑप्शंस। इसके अंदर आपको फाइबर मटेरियल चाहिए, फाइबर मटेरियल भी अवेलेबल होता है, कुछ लोगों को रगेड लुक चाहिए होता है वो भी हमारे पास अवेलेबल होता है। उसके अलावा आप यहाँ पे आएंगे, प्रेडेटर ग्रिल बोलते हैं इसको, नई ग्रिल लॉन्च हुई है। इसके अंदर हमारे पास मैट ब्लैक भी मिल जाएगा आपको, इसके अंदर रेड स्ट्राइप्स में हमारे पास में है एक्सक्लूसिवली, जो एपी मोटर्स पे ही अवेलेबल है अभी तक, वो भी मिल जाएगी आपको। इसके अलावा यहाँ पे आएंगे आप तो ये एलईडी ग्रिल है, एलईडी ग्रिल भी मिल जाएगी। दिस इज़ 4 एलईडी ग्रिल, इसके अंदर 5 एलईडी ग्रिल चाहिए तो वो 5 एलईडी ग्रिल भी हमारे पास अवेलेबल होती है। इसके बाद में बम्पर्स के बारे में बात करेंगे, बम्पर्स में ऑफ रोडिंग बम्पर्स हमारे पास सारे अवेलेबल होते हैं। स्टेलर जो कि बाहर का एक ब्रांड है, काफ़ी फेमस ब्रांड है, उसके भी हमारे पास बम्पर्स अवेलेबल हैं। स्टेलर के बाद में हमारे पास यहाँ पे ये भी स्टेलर का ही ऑफ रोडिंग बम्पर है। उसके बाद में आप सामने यहाँ पे दिखाएंगे तो ये फाइबर का बम्पर है, ये भी ऑफ रोडिंग बम्पर होता है, ये भी क्वाइट हैवी ही बम्पर होता है, जो कि मार्केट में आपको मिलते हैं ABS के बम्पर्स मिलते हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। बट ABS बम्पर्स जो होते हैं वो देखने में बहुत सुंदर होते हैं, वो जिसके जैसे कहते हैं मेकअप करा हुआ है, तो मेकअप बम्पर्स होते हैं वो, देखने में बहुत सुंदर होते हैं बट उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ नहीं होती इन बम्पर्स के मुकाबले, ये मेटल बम्पर्स। जी जी जी। इसके अलावा हमारे पास ओवरलैंड कंपनी आती है, उसके बम्पर्स सारे मिल जाते हैं, एवरलास्ट कंपनी आती है, उसके सारे बम्पर्स मिल जाते हैं। बम्पर्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 8-9 तरीके के बम्पर्स हैं, हमने डिस्प्ले में फिलहाल 3-4 लगाए हुए हैं, इसके अलावा हमारे पास 8-9 बम्पर्स रेडीली अवेलेबल होते हैं सारे। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ गाड़ी के बैक साइड की, अगर मैं बात करूँ तो ये टेल लैम्प्स होती है, टेल लैम्प्स में आजकल ये X डिज़ाइन सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग डिज़ाइन है, ये आपका रिफ्लेक्टर भी हॉट सेलिंग है, इसके साथ में ये X का ऊपर नीचे कॉम्बिनेशन बनता है। उसके बाद में इसको 3D डिज़ाइन बोला जाता है टेल लाइट का। उसके बाद में जो फर्स्ट डिज़ाइन आया था version 1 जिसको बोला जाता है, ये जीप रैंगलर से इंस्पायर्ड है डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन भी हमारे पास मिल जाता है। उसके बाद में ये मैं DRLs की बात करूँगा तो DRLs डबल लाइन में नियॉन के अंदर हमारे पास है, डबल लाइट में आपका LED हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद में मैं AC वेंट्स अंदर की बात करूं तो AC वेंट्स में गैलेक्सी AC वेंट्स बोला जाता है, जिनके साइड में भी रिंग में भी यहाँ पे भी लाइट जलती है। उसके अलावा ये फिक्स इनको बोला जाता है AC वेंट्स, जो कि बड़े साइज़ के होते हैं, प्रॉपरली जाके फिट हो जाते हैं, इनमें कोई कटिंग या कोई अलग से टेम्पर करने की ज़रूरत नहीं होती गाड़ी को। ये वाले आपके नॉर्मल AC वेंट्स जो पहले आया करते थे, टर्बाइन जिसको बोला जाता है, ये भी बहुत कम देखे होंगे आपने गाड़ियों में, बट ये भी काफ़ी टाइम हो गया इसको आए थे, बट इसका ज़्यादा अवेलेबिलिटी ना होने के कारण इतने फेमस नहीं हो पाए। ये नॉर्मल AC वेंट्स आपके जो version 1 आया था, सबसे ज़्यादा चलने वाले AMG AC वेंट्स भी बोला जाता है इनको, ये वाले भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। उसके बाद में मैं पीछे हेडलाइट्स के बारे में बात करूँ तो हेडलाइट्स में हमारे पास किंग कॉन्ग हेडलाइट है, हमारे पास जीप रैंगलर हेडलाइट है, माइनस विद रिंग है, आपका जी वैगन स्टाइल है, माइनस है। माइनस के अंदर भी हमारे पास में 4-5 तरीके की रेंज है, जो बिल्कुल बेसिक वाली होती है 3,000 रुपये से, वो भी हमारे पास अवेलेबल होती है, दिखाने के लिए रखते हैं हम लोग। बट वही जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, लाइट्स का जो होता है बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है लाइट्स, तो इसलिए हम रेकमेंड नहीं करते कि आप इतनी हल्की लाइट्स लगाओ। ये वाली जैसे कि आप माइनस देख रहे हैं, नॉर्मल कंपनीज जो आती हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। इसके अंदर क्या डिफरेंस है, इसमें एक तो वारंटी आती है, 140 वॉट्स की लाइट है, 1 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी है, वारंटी के अलावा गारंटी है इसमें, तो ये डिफरेंस है इनके अंदर जो बाकी नॉर्मल रेंज से फर्क है। प्रोजेक्टर्स की बात करें तो ओजूम वगैरह का यहाँ पे प्रोडक्ट रखा है, और भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं, तो इसमें क्या रिकमेंड करते हैं आप ज्यादातर? सर ये ऑफ रोडिंग लाइट्स बोलते हैं इनको, ये ऑक्सिलरी लाइट बोलते हैं, ये अजूम कंपनी की है। इसका जैसे कि अजूम के बारे में आप भी जानते ही होंगे, अजूम एक बहुत बड़ा ब्रांड है और बहुत अच्छा ब्रांड है, जर्मनी का ब्रांड है। तो जर्मनी का ये जो ब्रांड है अजूम, इसकी भी लाइट्स हमारे पास होती है, इसकी फॉग लैम्प्स है वो भी हमारे पास रेडी स्टॉक अवेलेबल होता है। उसके बाद में आप हेला ब्रांड है, हेला का ब्रांड भी बहुत एक मेजर ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है। इनफैक्ट ये जो आप हेडलाइट देख रहे हैं ये भी हेला ब्रांड की हेडलाइट है, ये नॉर्मल हेडलाइट नहीं है, ये हेला के ऑक्सिलरी लाइट है, जो बोनट के ऊपर लगाए थे, आगे बम्पर पे लगाए थे, जो ऑफ रोडिंग में काफ़ी यूज़ होती हैं। देन ये डोर हिंजेस आ जाते हैं जो साइड में कॉस्मेटिक लुक भी कह सकते हो, जिनको देखने में सुंदर लगते हैं, और साथ में इनका यूज़ भी होता है, जिसपे पैर रख के आप गाड़ी के ऊपर चढ़ सकते हैं, ये इनका डिफरेंस होता है। जो लोग रील्स वगैरह बनाते हैं वो बड़ा यूज करते हैं। जी 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 जी। तो महिंद्रा थार के साथ हम कब ड्रोन शॉट? महिंद्रा थार के साथ हम कब रील्स बनाने वाले हैं? जब आप बोलेंगे प्रीत भाई तब अवेलेबल है, मेरी अपनी थार तो अवेलेबल होती है, उसके अलावा 2-3 थार में रेगुलर हमारा काम चल ही रहा होता है। जब आपने क्या कुछ मॉडिफाई किया वो भी हम कवर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैं अलग से एक वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, क्योंकि बेचने के लिए भी ना कहते हैं कि जब तक तुम्हें खुद को नॉलेज नहीं है तुम क्या बेचोगे उसको। सही बात है। तो उस चीज की नॉलेज हमने पूरी ली है, मैं खुद चीजों को यूज
है, अब्यूज करा है, मिसयूज करा है हर तरीके से उसको प्रॉपर तरीके से। मैं खुद एक ऑफ रोडर हूँ तो मैंने उसको प्रॉपर तरीके से उसको यूज करके अब्यूज करके देखा है कि इसमें स्ट्रेंथ कितनी है और वीकनेस कितनी है। तो वो चीज़ों का भी मेरे पास पूरा एक्सपीरियंस है, तो मैं गाइडेंस भी उसी हिसाब से कस्टमर को देता हूँ कि अगर उनको सिटी ड्राइव पे चलना है, उनको ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, तो उनको ये सब मेटल बंपर्स लगाने की जरूरत नहीं है, नीचे अंडर बॉडी प्लेट्स आती है वो लगाने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर अ हार्ड कोर ऑफ रोडर या नॉर्मल ऑफ रोडर भी हो, ये कुछ चीजें होती है अंडर बॉडी प्लेट जैसे कि बोलते हैं जो रेडिएटर गार्ड होता है वो बहुत जरूरी होता है। तो ये कुछ चीजें होती है जो बहुत माइनर है बट बहुत ज्यादा फर्क करती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप महिंद्रा थार खरीद रहे हैं तो भाई यहाँ पे विजिट कर लेना, एपी मोटर्स बेस्ट सॉल्यूशन देता है आपको महिंद्रा थार की एक्सेसरीज के लिए। और रेंज की बात करें तो यहाँ पे भी प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत सारी ब्रांड जी 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 जी, तो नो डाउट प्राइस का इशू नहीं आएगा, बिल्कुल क्वालिटी का भी इशू नहीं आएगा। बाकी अगर आप लोएस्ट रेंज में जाएंगे तो भाई क्वालिटी का फिर हमारा कोई हम कह नहीं सकते उसके लिए, लोएस्ट रेंज के लिए बिल्कुल। जो चीज हम बोलेंगे कि गारंटी या वारंटी वाली है तो उसकी गारंटी वारंटी कंपनी स्टैंड करती है, हम नहीं ले रहे उसकी गारंटी वारंटी। और उसकी गारंटी वारंटी क्यों स्टैंड होती है, क्योंकि वो उतना फिजिबल होता है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि वो वारंटी देता है, बिल्कुल, इसीलिए उसकी कॉस्ट ज्यादा होती जी exactly। तो ऑलमोस्ट जो थार की रेंज है, जैसे कि अभी आपने बम्पर दिखाए, ग्रिल दिखाई, लाइटिंग में आपने कई सारे ऑप्शंस दिखाए, हेडलाइट में भी एलईडी अगर डालना है तो वो भी बहुत सारी एलईडी, जैसे कि शुरू में मैंने आपको दिखाया एलईडी के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास में, 300 रुपए से शुरू हो जाओ, 7,500 रुपए तक चले जाओ, सब अवेलेबल है। तो प्रीत भाई मैं आपको आर्मरेस्ट भी क्वालिटी दिखाना चाहूंगा, हमारे पास जो आर्मरेस्ट अवेलेबल है, ये आर्मरेस्ट हमारे पास में ग्लॉसी ब्लैक के अंदर भी मिल जाएगा आपको, कार्बन फाइबर फिनिश में भी मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो है मार्केट से जो डिफरेंट है, इसमें जो आपको मिलेगा एक पीडी चार्जर का स्लॉट मिलेगा जो कि सी टाइप होता है, और एक नॉर्मल यूएसबी चार्जर का स्लॉट मिलेगा। इसकी क्वालिटी वगैरह भी आप देख सकते हैं, जैसे कि अंदर से पूरा वेलवेट फिनिश के अंदर है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, टॉप क्वालिटी का है। ऐसे में ही हमारे पास फ्रंट आर्मरेस्ट भी अवेलेबल होते हैं, रेड स्टिच में चाहिए आपको, ग्रे स्टिच में चाहिए, ब्लैक स्टिच में चाहिए, ये सब हमारे पास रेडीली स्टॉक अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ आप ये ऊपर देखेंगे, ये जो नीचे की तरफ लगे हैं, जो थार में जालियां लगी होती है स्पीकर की, ये स्पीकर की जालियां हैं, इनके अंदर लाइट्स जलती हैं, जो एम्बिएंट लाइटिंग अंदर की आती है कार्डी में, K3 K4 कार्डी कंपनी की, ये K4 में ये स्पीकर रिंग्स आते हैं जो कि प्लग एंड प्ले होते हैं। आप उन जालियों को निकालिए, इन जालियों को लगाइए और इनमें लाइट्स जलती हैं। साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कुजो ब्रांड की एम्बिएंट लाइटिंग, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एम्बिएंट लाइटिंग है, 1 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ में है। मैट्स की क्वालिटी वगैरह भी दिखाना चाहूँगा आपको, ये भी हमारे पास कुजो ब्रांड के अंदर होता है और मैट्स के भी टॉप क्वालिटी ब्रांड है। और यहाँ पे अगर दूसरे आर्मरेस्ट की बात करें तो ये उसी का दूसरा जी उसी का ही दूसरा डिजाइन है। इसमें जैसे कि पीछे वाले में आपको मैंने दिखाया, उसके अंदर बॉक्स स्टोरेज आपको थोड़ी सी ज्यादा मिलती है, इसके अंदर आपको ग्लास होल्डर मिलता है, फोन होल्डर मिलता है और यहाँ पे पॉकेट भी मिलता है कुछ सामान रखने के लिए। पॉकेट होल्डर कंपनी में जो आप देखेंगे, बहुत सारी कंपनियां बनाती है आर्मरेस्ट, उनमें हाथ डालने की जगह नहीं होती, इसमें आप प्रॉपर हाथ नीचे तक डाल सकते हैं, कुछ छोटा सामान गिर गया अंदर, कुछ रह गया उसको भी निकाल सकते हैं। इसके अंदर भी चार्जर दिया होता है बट इसमें पीडी चार्जर जो सी टाइप होता है वो नहीं होता, नॉर्मल चार्जर होता है, बट ये भी फास्ट चार्जर होता है, बेस टू टॉप करवा सकते हैं। और भी जो अगर आप कुछ नया एक्सेसरीज ऑनलाइन देखते हैं तो भाई एपी मोटर्स पे आपको वो एक्सेसरीज मिल जाएगी। बाकी अगर बात करें होलसेल की तो यहाँ पे हमने बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे दिखाए जिनको खरीद के आप बिजनेस भी कर सकते हैं। कश्मीरी गेट में अगर आप आ रहे हैं अपनी कार में मॉडिफिकेशन के लिए या फिर एक स्टार्टअप के लिए, तो भाई ने जैसा कि बोला 1 लाख रुपए में आपको एक बेहतरीन स्टार्टअप मिल जाएगा कार मॉडिफिकेशन के लिए। मींस अगर आप कार डिकोर की शॉप खोल रहे हैं तब भी सिद्धार्थ जी पूरी हेल्प करने वाले हैं। बाकी सिद्धार्थ जी थार के लिए हम कहेंगे कि थार के लिए हम बहुत सारी रील्स बनाने वाले हैं, उसमें कुछ प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे और एज पर योर एक्सपीरियंस क्या रिव्यू है वो भी हम धीरे धीरे शेयर करेंगे रील्स के माध्यम से। तो एक बार हमारी ऑडियंस को बोलो कि अगर एपी मोटर्स के प्रोडक्ट आपको देखने हैं तो कार म्यूजिक आपको सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल सब्सक्राइब करो भाई और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि अपडेट्स हम करते रहें क्या क्या हमारे पास में नया है और क्या क्या चीजें हमारे पास में अवेलेबल है। अगर भाई आप थार लवर्स हैं तो सर के पेज को फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत सारी रील्स डालते हैं, ऑफ रोडिंग के वीडियोज भी डालते हैं, बहुत जल्द हम भी वो वीडियो बनाने वाले हैं। तो पेज का नाम एक बार बताइए, AP Motors 82 इंस्टाग्राम पे आप हमें ढूंढ सकते हैं और उसी में सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे बाकी पेजेस के। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लेना, इनका नंबर मिल जाएगा स्क्रीन पे, वैसे मैंने नंबर दे रखा है। बाकी इनका इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक, जो भी चैनल सोशल मीडिया पे है उन सबका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।